सभी का बिजनेस की बात प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार यानी 9 जून को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ कर्ज गारंटी योजना को लेकर समीक्षा बैठक की और उन्हें MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग क्षेत्र के लिए शुरू की गई 3,00,000 करोड़ रुपए की आपात कर्ज गारंटी योजना के तहत कर्ज बांटने का काम तेज करने को कहा। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। इस दौरान वित्त मंत्री ने योजना के क्रियान्वयन में बैंकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवाओं के विभाग ने इस बारे में एक ट्वीट जारी कर कहा कि माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आपात कर्ज गारंटी योजना यानी ECLGS के तहत 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किए जाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने बैंकों को अपनी शाखाओं के स्तर पर योजना को लेकर सक्रिय रहने और कर्ज के लिए फार्म को सरल तथा औपचारिकताओं को कम से कम रखने की भी सलाह दी है। इससे पहले दिन 8 जून तक मंत्रालय ने अलग अलग क्लस्टर को मंजूरी किए गए कर्ज के बारे में आंकड़े जारी किए। मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया, 8 जून 2020 की स्थिति के अनुसार 12 राज्यों के MSME केंद्रों को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने 1,109.03 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया। ये कर्ज सरकार के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत MSME के लिए 100% आपात कर्ज सुविधा गारंटी योजना के तहत मंजूरी किया गया है। इसमें से 17,904 खातों में 599.12 करोड़ रुपए का कर्ज वितरित भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20,00,000 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये सबसे बड़ी वित्तीय घोषणा है। वित्त मंत्री ने पैकेज के बारे में 5 किस्तों में विस्तृत जानकारी पिछले महीने दी। इसके बाद 21 मई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME क्षेत्र के लिए ECLGS के जरिए 9.25% की रियायती दर पर 3,00,000 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत कर्ज पर राष्ट्रीय कर्ज गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC की तरफ से 100% गारंटी की सुविधा होगी। इसके लिए सरकार द्वारा 41,600 करोड़ रुपए का कोष उपलब्ध करवाया जाएगा और ये कोष इस वित्त वर्ष और अगले 3 वित्तीय वर्षों के लिए होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट को जानना चाहते हैं तो तुरंत ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।